गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। ओके, सो वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन। आवर चैप्टर वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ योर चैप्टर ऑफ योर क्लास 12th, है ना, चैप्टर नंबर 13, लास्ट चैप्टर, जिसमें हमने एक टॉपिक कर लिया था विच वाज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो उसमें कोई टिल नाउ कोई डाउट हो तो बताओ। तो इजी सा टॉपिक था, क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बोलो। Has already occurred, है ना, probability of an event when it is given that an another event has already been occurred, which that is what is called conditional probability। यानी कि अगर मैं कहूँ, देखो स्क्रीन पे देखो, थोड़ा सा चीजों को recapitulate करते हैं। अगर मैं कहूँ probability of E, तो इसका मतलब है event E की probability, इसका मतलब है इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, तो इसका मतलब है ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब एफ इवेंट हो चुका है। इतना सही फर्क है। इसमें भी ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, इसमें भी ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो प्रोबेबिलिटी की केस में जो न्यूमरेटर में बैठा है ना, प्रोबेबिलिटी तो उस इवेंट की होती है हमेशा, इसमें एफ की प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी किसकी है, ई की है। F नीचे रखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये निकल गया है कि F ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात, दोनों केसेस में डिफरेंस समझ में आया। अब सुनना ध्यान से, आपने प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा तो कुछ ऐसे सीखा था जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसे ही सीखा था। इसको क्या रीड करेंगे, मतलब बेसिक भाषा में बात करें कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जब एफ हो चुका है। ठीक है, इसको कैसे रीड करेंगे, मतलब एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी, एफ इवेंट हो इसकी संभावना, उसका मतलब ई इवेंट हो उसकी संभावना जब एफ इवेंट हो चुका है, इसका मतलब एफ इवेंट होने की संभावना। सिंपल। लेकिन किसी ने इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं करी, सर ये क्या है और इसको कैसे रीड करें, दोनों के होने की संभावना, ई इवेंट और एफ इवेंट के साथ में होने की संभावना। ठीक है, इज दिस क्लियर। और इस टॉपिक में अपन इसको निकालेंगे कि इसको कैसे निकालते, समझ में आई बात। देखो पॉइंट इज दैट कि जरूरी थोड़ी ना, ये तीन चीजें हैं ना, ये तीन चीजें हैं, एक दो तीन, ये तीन चीजें हैं ना, तो जरूरी थोड़ी ना है कि यही चीज पूछी जाए, ये भी तो हो सकता है ये चीज पूछ ले, समझ रहे हो बात को। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज भी गिवन हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। आप हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ इस फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ कई बार गिवन होगी, एंड इवन विदाउट फॉर्मूला भी निकल सकती है। कैसे, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करो We have 52 cards. How many cards? अब cards का distribution I hope सबको पता होगा ना, कैसे कैसे होता है, स्पेड कितने होते हैं, ये कितने होते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि इसमें 4 kings होते हैं, होते हैं। अगर मैंने कहा कि 52 cards में से मैंने एक पत्ता निकाला, उसको मैं F event कह रहा हूं, है ना, मैंने एक card निकाला, ठीक है, वो card king निकले, drawn card is king. Drawn card is king. तो मैं कहूं कि F event की probability बताओ, तो everyone of you will tell me कि sir 4 kings होते हैं, out of how many? 52, that is 1/13 हो जाएगा, easy. अब मैं एक और event E की बात कर रहा हूं कि second पत्ता निकाल रहा हूं, F तो पहला पत्ता निकाला था, E second पत्ता निकाल रहा हूं, और second पत्ता again king निकले, again क्या निकले, king निकले। तो अब सुनना, अब मैं अगर आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि एफ इवेंट तो ऑलरेडी अकर हो चुका है, यानी पहला पत्ता निकाला था वो तो किंग निकल चुका है, तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ बताओ, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि एफ ऑलरेडी हो चुका है, आपको क्या निकालना है, ई की प्रोबेबिलिटी। अब एफ, आप सोचो, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, आप क्या ये वाला फॉर्मूला लगाने बैठेंगे क्या, नहीं, आप कॉमन सेंस लगाएंगे। भाड़ में क्या ये फॉर्मूला, आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि ई ऑन एफ लगाना है,
एफ ऑलरेडी हो चुका है, किंग निकल चुका है, किंग कितने बचे? तीन। पत्ते कितने बचे? आंसर इज 3/51। कहां यूज किया आपने ये वाला फॉर्मूला? अब इस केस में हुआ क्या, ई ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन थी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, विदाउट फॉर्मूला आपने निकाल ली। तो अब अगली एक्सरसाइज में आपको इस तरह के केसेस गिवन होंगे जिसमें आपको ई ऑन एफ इस तरीके से कॉमन सेंस से निकालना होगा। एक्चुअली निकालना क्या होगा तो अंडरस्टूड है, ठीक है। अब 3/51 पता चल गया ना हमको। अब इस ये फॉर्मूला, ऐसा नहीं कह रहा मैं फॉर्मूला बेकार गया, अब इस फॉर्मूले में से आप ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, वो पता चल गया ना, उसकी वैल्यू पता चल गई ना 3/51। या तो एक तरीके से गिवन ही थी निकाली, हालांकि आपने, बट कुछ ज्यादा जोर थोड़ा है निकालने में, एक तरीके से गिवन ही था वो, तो गिवन था तो आप ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन थियोरम ऑन प्रोबेबिलिटी। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फील मिल गया भाई क्या करने वाले अगली एक्सरसाइज में, बहुत सारी चीजें सीखनी अभी इस एक्सरसाइज के लिए। देखो हाँ, अगर वो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है तो वो ऐसा ही लॉजिक देगा जिससे अपन ई ऑन एफ निकाल सकें। भाई कुछ निकालने के लिए कुछ गिवन देना पड़ता है, कुछ निकलवा भी ले गिवन भी ना दे तो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है, समझ गए। अगर वो ई इंटरसेक्शन, अब बस प्रोबेबिलिटी चैप्टर बता बड़ा इजी है, प्रॉब्लम पता यही है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता नहीं चलता कि इसमें बेस थ्योरम लगेगी, इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी, इसमें मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगेगी या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, ये पता नहीं चलता। अगर ये पता चल जाए एक बार तो चार फॉर्मूले तो शायद याद भी हो गए होंगे, स्कूल में पढ़ लिए हैं आपने, लगाने के बाद कोई मतलब याद पता चल जाए कि ये काम करना है फिर तो बहुत ईजी है प्रोबेबिलिटी, है ना। तो हमको क्वेश्चन पढ़ना है और ये समझना है कि हम कौन से कगार पे हैं, थ्योरम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मतलब मेरे को कौन से टॉपिक के गिवन पॉइंट्स गिवन है, समझ में आई बात। अभी इस क्वेश्चन में मुझे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के गिवन पॉइंट्स गिवन थे, ई ऑन एफ गिवन था इनडायरेक्टली, समझ में आया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी गिवन था, एफ आपने पहले निकाला ही सही, 4/52 निकाला और ई ऑन एफ भी आपने ही निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी आपने निकाला और ई ऑन एफ भी आपने निकाला, निकाला ना, तो एक तरीके से गिवन ही था ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, हमको पता है कि ई और एफ अगर दो इवेंट्स हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिवाइज कर रहे हैं एक तरीके से, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट द इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबको पता है। अब इसमें से ये एक मैथमेटिकल वैल्यू ही तो है, ये एक मैथमेटिकल वैल्यू ही तो है भाई, 1/2, 3/2, 4/5 ऐसे कोई मैथमेटिकल वैल्यू है, ये भी एक मैथमेटिकल वैल्यू ही तो है और ये भी एक मैथमेटिकल वैल्यू ही तो है। तो इसमें से अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो बड़े आराम से अलजेब्रा यूज करके इसको उधर लेके जाओ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या निकल के आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, यही मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, कुछ नहीं है। लिख लिया यहां तक? Obviously, जैसे कि मान लो ई इवेंट है एक स्पेड निकलना चाहिए, एफ इवेंट है किंग निकलना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि किंग ऑफ स्पेड निकले? तो किंग भी हो गया, ई इवेंट भी चाहिए उसको, स्पेड भी हो गया और एफ इवेंट भी चाहिए, तो इस चीज को अपन कैसे कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अभी ये थोड़ा सा टॉपिक खत्म हो फिर कुछ आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो बुक में भी नहीं है, मतलब ये दो इवेंट साथ में घटित कैसे होते हैं इसके बारे में पूरा अपन चार्ट बनाएंगे, कैसे कैसे किस किस तरीके से वो घटित हो सकते हैं दो इवेंट साथ में, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का मतलब यह होता है कि अगर दो इवेंट के घटने की साथ में घटने की संभावना पूछी जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ पूछा जाए, तो कोई भी एक इवेंट पहले घटित कराओ
फिर वो इवेंट घटित होने के बाद अगला इवेंट घटित कराओ। एफ हो चुका है ना, इसलिए एफ नीचे बैठा है। एफ हो चुका है ना, इसलिए सेकंड स्टेज पे एफ नीचे बैठा है कि वो घटित हो चुका है, अब ई घटित हो रहा है, इसको ई और एफ ही तो कहेंगे। समझ में आई बात? क्लियर है? और उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है क्या है, यानी कि दो इवेंट जब भी साथ में घटित होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी। तीन इवेंट साथ में घटित होंगे, तीनों की प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी। लेकिन ऐसे नहीं होंगी, सपोज करो ई एफ जी तीन इवेंट है, मैंने कहा कि तीनों को साथ में होने की संभावना बताओ, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, डायरेक्ट नहीं करेंगे। वो भी करना पड़ेगा कभी ना कभी, वो बात का टॉपिक है। लेकिन अभी के लिए क्या है, आप पहले कोई भी एक इवेंट घटित कराओ। सपोज करो आपने ई घटित कराया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय, अब ई हो चुका है ना, ई को न रखो नीचे, एफ ऑन ई इंटू, अब क्या क्या हो चुका है, ई और एफ दोनों हो चुका है, ई इंटरसेक्शन एफ नीचे रखो भाई, ई और एफ दोनों हो चुका है, जी ऑन ई इंटरसेक्शन एफ एंड सो ऑन। ऐसे का पता नहीं कितने इवेंट्स के साथ में घटित होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ दोनों हो चुके हैं, अभी ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या निकल के आ रहा है, ई और एफ दोनों हो चुके हैं, तो वहां पर भी तो ई और एफ दोनों हो चुके हैं, तो उसको नीचे रखेंगे ना इंटरसेक्शन एफ को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है इवेंट ई और इवेंट एफ के दोनों के होने की अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे, अपन इसका मतलब क्या पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं कि ई और एफ दोनों हो चुके हैं, ई और एफ दोनों होने की। ठीक है, तो ये क्लियर है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दो इवेंट्स के साथ में घटित होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, किसी एक इवेंट को पहले करवाएंगे। जरूरी नहीं आप एफ को करवाओ, आप पहले ई को भी करवा सकते हो, अभी एक इसका सेकंड फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूँ, आप चाहो तो पहले ई को भी करवा सकते हो। अगर आपने पहले एफ को करवा लिया तो फिर सेकंड स्टेज पे ई ऑन एफ होगा, अगर आपने पहले ई को करवा दिया तो सेकंड स्टेज पे एफ ऑन ई होगा, जो हो चुका वो नीचे होगा और जो अब जो हो रहा है वो ऊपर होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो न्यूमरेटर में रहता है एक्चुअल प्रोबेबिलिटी उसकी होती है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है एक्चुअल, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है एक्चुअल। ठीक है, एक बार ई की लेनी पड़ेगी, एक बार एफ की लेनी पड़ेगी, जिसकी पहली बार ही ली उसकी तो जनरल प्रोबेबिलिटी, जिसकी सेकंड स्टेज पर ली उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, अच्छा कभी भी ये मत कर देना है ना, कभी भी ये मत कर देना एफ से एफ कट गया बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ है, ये कभी भी e डिवाइडेड बाय, ये e कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है जिसको f से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कुछ, ये पूरी मिला के एक चीज है, e ऑन f पूरी मिला के एक चीज है, इसमें e और f अलग अलग नहीं है। ठीक है ना, मतलब e और f न्यूमेरिक वैल्यूज के हिसाब से अलग अलग नहीं है, क्योंकि e तो 3 है और f 4 है, 3 बाय 4 है, ऐसा नहीं है। e ऑन f 3 बाय 4 हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि e 3 है और f 4 है। ओके, ताकि हम 4 से 4 काट दे ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी जो सेकंड फॉर्मूला की बात कर रहा था मैं, देखो ई ऑन एफ की जगह कल को मैं एफ ऑन ई भी तो निकाल सकता हूं। देखो एक चीज और, ई इंटरसेक्शन एफ को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ से भी डिनोट करा सकते हो। लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये तो लिख लिया होगा आपने, इसका सेकंड नोटेशन जरूरी नहीं है आप इंटरसेक्शन साइन लगाओ, ई एफ भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों मुझे बताओ, एक्स इंटू वाई को आप एक्स वाई लिख सकते हो, बोलो एक्स इंटू वाई को एक्स वाई लिख सकते हो, y into z को yz लिख सकते हो, तो e intersection f actually e into f ही तो है probability के केस में, क्योंकि theorem क्या कहती है, multiplication करना है, क्या करना है multiplication, तो e into f ही तो करना है, तो into में से अपन into sign तो कभी भी हटा सकते हैं ना, अगर algebraic letters है तो e और f algebraic letters ही तो हैं, तो मैं probability of e f भी लिख सकता हूँ short में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कहता है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ उल्टा कर रहा हूं, पहले तो ई की प्रोबेबिलिटी निकाली, एफ इवेंट हो चुका था, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकलवा रहे हैं, ई हो चुका है, तो उसको कैसे बोलेंगे, एफ ऑन ई, उसको तो कैसे बोला हमने ई ऑन एफ, इसको कैसे बोलेंगे एफ ऑन, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एफ गिवन दैट इवेंट ई हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, इसको हम कैसे कहेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई, इसको निकालेंगे कैसे हम, एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाई ई, सीख चुके हैं पहली एक्सरसाइज में। एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात। ठीक है,
और एफ इंटरसेक्शन ई को देखो अगली स्टेज में जो आप तनिषा पूछ रहे हो उसका जवाब मिल गया। एफ इंटरसेक्शन ई जो है वो ई इंटरसेक्शन एफ ही है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नीचे। अब यहां से ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला बना आप खुद देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओनली। वहां से भी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला तैयार किया हमने, यहां से भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ को निकालने का फॉर्मूला तैयार किया, यहां से क्या फॉर्मूला निकला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई, वहां से क्या निकला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। तो बात वही है, अगर आप ई को पहले अकर कराओ तो फिर सेकंड स्टेज में ई को नीचे बिठाओ, अगर आप एफ को पहले अकर कराओ तो फिर एफ को नीचे बिठाओ, ठीक है। तो यहां से ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी के दो फॉर्मूले ये कर लो, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू एफ ऑन ई। तो फाइनली मेरे पास मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी तैयार है, दोनों फॉर्मूला को मर्ज कर देते हैं। सो द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी फाइनली स्टेट्स दैट, स्टेट्स यानी कि बताती है, क्या बताती है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, अगर आप ई को पहले कराना चाह रहे हैं तो सेकेंड स्टेज पे क्या हो जाएगा एफ ऑन ई इज इक्वल टू। एक ही फॉर्मूला नहीं, दो फॉर्मूले हैं, आपकी मर्जी है। आप पहले एफ को करवा दो, आप पहले एफ को करवा दो तो फिर सेकेंड स्टेज पे क्या हो जाएगा ई ऑन। अगर आपने ई को पहले कराया तो फिर सेकेंड स्टेज पे एफ ऑन ई, अगर आपने एफ को पहले करवाया तो फिर सेकेंड स्टेज पे ई ऑन है। दोनों फॉर्मूले हैं ई इंटरसेक्शन एफ के, चाहे से ये फॉर्मूला यूज करें चाहे से ये फॉर्मूला यूज करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ किसी से भी निकाल सकते हैं। हाँ, याद रखने के लिए ये ऐसा याद रख सकते हैं कि जो हो चुका है वो नीचे रहेगा, जो हो चुका है वो नीचे रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे कट जाता है। देखो यहां पे ये हो चुका है तो ये अगली स्टेज पे इसके नीचे आ गया, बट ये कट नहीं सकता। ओके, अब ये तो रही दो इवेंट्स की बात। सिमिलरली इफ ई एफ एंड जी आर थ्री इवेंट्स, कल को तीन इवेंट्स आ जाए मेरे पास ई एफ एंड जी, ठीक है, अब तीनों के साथ में अकर कराने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ ले, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कैसे निकालेंगे आपको बता ही चुका हूं मैं। देखो वो क्या कह रहा है, देन द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहेगी, अगर ई एफ एंड जी तीन इवेंट्स हैं देन द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, पहले आप ई को करवाओ, जरूरी नहीं ई को करवाओ, इसने एक तरीका बताया करने का, पहले आपने ई को अकर करवाया, अब सेकेंड स्टेज में एफ की बारी है, लेकिन जब एफ हो रहा था तो ई हो चुका था, थर्ड स्टेज में जी के अकर होने की बारी है, लेकिन जब जी चल रहा था तो ई और एफ दोनों ही हो चुके थे, और तीनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लग जाएगा क्योंकि थ्योरम ही मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है। इजी एंड सो ऑन, ऐसे करके आप तीन नहीं चार नहीं पांच इवेंट्स भी एक साथ अकर करा सकते हो और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है।
अब ये कैसे निकालेंगे सर, तो इसको निकालने का कुछ ना कुछ हिंट देगा, ये कैसे निकालेंगे इसको निकालने का भी कुछ ना कुछ हिंट देगा, वो गिवन पॉइंट्स में देगा आपको। जैसे अभी अपन ने एक एग्जांपल मैंने दिया, तो उसमें आपने एफ ओन ई निकाला ना, निकाला ना भाई वो हो चुका है, तो सेकंड कार्ड भी किंग वो एफ ओन ई तो था, निकाला ना, तो इस तरीके से आपको हिंट देगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। क्लियर? तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्लियर है? क्या है ये थ्योरम? ये दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को साथ में अकर कराने की एक थ्योरम है, जो क्या कहती है, आप अलग अलग इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करें तब जाके आपको कंबाइंड इवेंट के प्रोबेबिलिटी मिलेगी। बट एक चीज याद रखें, जो इवेंट हो चुका है उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनाते, ई हो चुका है तो सेकंड स्टेज में एफ की प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी, एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलेगी प्रोवाइडेड दैट ई हो चुका है। और फिर थर्ड स्टेज में जी को अकर करा रहे हो तो जी की प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी, जी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो जी की है, याद रखना प्रोबेबिलिटी वो न्यूमरेटर में जो बैठा है उसकी है, प्रोवाइडेड दैट कि नीचे ई एंड एफ दोनों हो चुके हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, देखो बिना उसके निकालते हैं जब ये सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है, देखो मेरी बात सुनो, अगर ई एफ एंड जी, ई एफ एंड जी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जो एक दूसरे पे क्या करते हैं डिपेंड, तो ई हो चुका है तो एफ के होने की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट होगी, तो इसीलिए एफ ऑन ई निकाला, उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली, और जी ई और एफ दोनों हो चुके हैं तो जी की प्रोबेबिलिटी भी अफेक्ट होगी। तो ये तो है जनरल केस। अब अगर मैं इसी में स्पेशल केस कह दूं कि साहब ई एफ और जी तीनों ही इंडिपेंडेंट है, ई की होने की संभावना एफ को अफेक्ट नहीं करती, एफ की होने की संभावना जी को नहीं करती, जी की होने की संभावना ई और एफ को अफेक्ट नहीं करती, किसी की भी होने की संभावना किसी को भी अफेक्ट है, तो अब आप सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाई, अब आपको ई एफ और जी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल आएगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट, मतलब एफ ऑन ई और एफ बराबर आएगा, इसीलिए एफ ऑन ई लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिख देंगे अपन? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख देंगे। ये कब लिखेंगे? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको अपन कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एन इवेंट ई इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट, एन इवेंट ई इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट, इसके बारे में हमने थोड़ा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी जिक्र किया था, आपको याद हो तो, जैसे बारिश हो रही है और आप पढ़ाई कर रहे हो तो बारिश के होने की संभावना और आपकी पढ़ाई करने की संभावना इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ठीक है ना, ऐसा कुछ जिक्र किया था अपने। एन इवेंट ई इज सेट टू बी इंडिपेंडेंट, एक इवेंट ई को अपन इंडिपेंडेंट कहेंगे, कब कहेंगे? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जिसको अपन पी ऑफ ई लिखते हैं, इज नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ एनी अदर इवेंट, ये हो जाए तो अपन इवेंट ई को इंडिपेंडेंट इवेंट कहें। साथ में अकरंस कराने के लिए तो मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है, सम कब करेंगे? जब केसेस बनते हैं, केस वन केस टू, या तो ये होगा ये नहीं होगा तो या फिर वो होगा, या फिर ये नहीं होगा तो या फिर वो होगा, ऐसे तीन चार केसेस बन जाए तो सारे केसेस की प्रोबेबिलिटीज को सम करते हैं, क्योंकि या का मतलब होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है सम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली जाना है, अब एक रूट है वाया जयपुर, एक रूट है वाया दोसा, जयपुर से मैं जयपुर वाले रूट से जाऊं उसकी संभावना है 0.2, मैं दोसा वाले रूट से होकर जाऊं उसकी संभावना है 0.3। अब किसी ने पूछा इसकी दिल्ली जाने की संभावना बताओ, तो या तो मैं दिल्ली वहां से गया या फिर मैं दिल्ली यहां से गया, तो उसकी संभावना इसकी संभावना ऐड हो जाएगी, टोटल संभावना है 0.5 की मैं दिल्ली जाऊंगा, उस जगह प्रोबेबिलिटीज ऐड हो, ठीक है ना, क्लियर है। वो आएगा भी नेक्स्ट, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इतना लिख लिया। अब देखो ये तो केवल एक सिंगल इवेंट ई की बात हो रही थी, है ना, सिंगल इवेंट ई की बात हो रही थी कि इवेंट ई इंडिपेंडेंट कब होगा,
जब उसके होने की संभावना किसी भी और दूसरे इवेंट से अफेक्ट ना हो, तब वो इवेंट ई क्या कहलाएगा, इंड आजाद है, किसी पे डिपेंड नहीं है। अब दो इवेंट को साथ में अगर अपन ले, टू इवेंट्स ई एन एफ, तो दोनों को अपन इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब कहेंगे, जब एक दूसरे की संभावना एक दूसरे को अफेक्ट ना करे। समझ आया, ई की संभावना एफ को अफेक्ट ना करे, एफ की संभावना ई को अफेक्ट ना करे। लिखो, consequently two events E and F are said to be independent events if the probabilities of both the events E and F are not affected by the occurrence of each other. ठीक है, लिख लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब होंगे, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ बराबर हो जाए। साथ में एंड लिख रहा हूं, ये भी हो और साथ में क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई भी बराबर हो जाए। कहने का मतलब है कि ई के होने की संभावना और ई के तब होने की संभावना जब एफ हो चुका है बराबर है। मतलब एफ का होना ई पे अफेक्ट ही नहीं किया, ई के होने की संभावना कल भी 1/2 थी और आज जब एफ हो चुका है, ई ऑन एफ का मतलब क्या है, एफ हो चुका है, एफ हो चुका है तो भी ई के होने की संभावना 1/2 ही है। इस केस में ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स माने जाएंगे। और ऐसा का ऐसा एफ के लिए भी होना चाहिए, ऐसा का ऐसा एफ के लिए भी होना चाहिए कि एफ के होने की संभावना और एफ के तब होने की संभावना जब ई हो चुका है, ये दोनों संभावनाएं बराबर है। मतलब अगर ये और ये दोनों चीजें हो रही हैं, तभी आप कहेंगे कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हाँ, तो E on F conditional probability है, लेकिन conditional probability और general probability बराबर आ गई। conditional probability का मतलब क्या होता है कि F हो चुका है, अब E की संभावना बताओ, और probability of E का मतलब क्या है कि E के होने की संभावना बताओ। समझ में आई बात, तो E के general होने की संभावना और कोई दूसरा इवेंट हो चुका था तब होने की संभावना बराबर है, तो E इंडिपेंडेंट है ना, E की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट नहीं हुई ना, और वैसे ही एफ के होने की प्रोबेबिलिटी भी अफेक्ट नहीं, जनरल प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाए दोनों इवेंट्स के लिए, ई के लिए भी और एफ के लिए भी। तब आप कहोगे कि ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट है, ना तो ई एफ को अफेक्ट कर रहा है ना ही एफ ई को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कनिष्का आज चैप्टर याद करके आएगी, इसकी संभावना है 1/2 1/3। मैंने कहा कि आज बारिश होगी, इसकी संभावना है 1/7। अब मैंने कहा बारिश हो गई और कनिष्का चैप्टर याद करके आएगी, तो जो उसकी पहले वाली संभावना थी 1/2 या 3 जो भी थी, वो की वही रहेगी ना, उसका कुछ अफेक्ट ही नहीं हुआ ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ बराबर होगा। ठीक है, समझ आई बात, तो इस केस में ई एंड एफ को क्या कहते हैं अपन, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, देन वी विल से दैट द इवेंट्स ई एंड एफ आर, देन वी विल से दैट द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अगर ये हो जाए, मतलब ये कंडीशन है, अगर ये हो जाए ना बेटा, तो आप ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि ई एंड एफ आर क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसा कहती थी, याद करो, देखो देखो देखो, ऐसा कहती थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये होता है, होता है। अब अभी अभी आपने क्या कहा कि ई ऑन एफ और एफ बराबर हैं, समझ में आ गई बात। तो अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कन्वर्ट होकर ये बन जाती है, ये यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, सॉरी एफ ऑन ई है, उसको सही कर दो, E on F है ना, ये F on E, E हो चुका है ना, तो E नीचे आएगा ना, F on E। F ऊपर लिखो, तो मैंने आपको उधर भी बताया था ना कि अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो बस सबकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते जाओ,
किसी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, सबकी जनरल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, समझ आया क्या कह रहा है कि इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आपने ऐसे बताई थी सर। अब अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये चीज इसके बराबर होगी। तो अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या कहेगी, अब ये कहेगी कि इंटरसेक्शन एफ की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आप सिंपली दोनों की जनरल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अगर निकल पा रही है तो आप कह सकते हो कि ई और एफ क्या है, इंडिपेंडेंट। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट, अब आपको क्या पता कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो आप जनरल केस पे जाओगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले इस केस पे जाओगे, ये तो पर्टिकुलर केस है। आप हमेशा किस केस को कंसीडर करोगे, इस केस को कंसीडर करोगे। ये केस तो केवल और केवल क्या है, एक पर्टिकुलर केस है। समझ में आ गई ना बात? ठीक है तो आज के लिए काफी, क्लास खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब कंप्लीट हो गया एंड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम भी आज की क्लास में कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।